Hello students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 2, Children at Work. And student, this chapter is taken from your class 8, It So Happened book. And student, in previous video we have already done line by line summary of half chapter. I hope you all have watched that video. So student, in this video we will do further half chapter. Okay student, तो previous video में हमने क्या पढ़ा था कि एक बच्चा जो होता है जिसका नाम बेलू है वो अपने घर से भाग करके आ जाता है. भाग कर क्यों आता है? बिकॉज वो जो बच्चा है वो पूरा दिन जितने भी अर्निंग करके आता है उसके फादर उससे सारे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसकी ड्रिंक करते हैं, उसको पीटते भी है. तो बेलू जो है और ज्यादा मार नहीं खाना चाहता अपने फादर की, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, घर से भाग करके आ जाता है. कानपुर से वो चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ता है. तो रास्ते में जब जहां पर एक स्टेशन पर जो है ट्रेन, जहां पर वो ट्रेन में चढ़ता है वो कहाँ सोता है, वो ट्रेन के बिल्कुल साइड में जो जगह होती है विंडो गैलरी डोर के पास, ठीक है, वो वहां पर सोता है. और उसके नेक्स्ट ही मतलब साथ में ही कुछ लोग होते हैं जो ताश वगैरह खेल रहे होते हैं. तो होता क्या है, एक बार प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रेन काफी देर के लिए रुकती है तो वेलू जो है वहां से नीचे उतर के प्लेटफॉर्म पर उतरता है, ठीक है, और वहां पर जो है बेंच पर बैठ जाता है. बेंच पर बैठता है तो उसकी जो है वहां पर मीटिंग एक गर्ल से होती है, ठीक है, और वो गर्ल जो है उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेती है, बातचीत करती है. वेलू जो है उसको कुछ नहीं बताता बिकॉज गर्ल जो है वो काफी स्ट्रेंज होती है, ठीक है. तो फिर होता क्या है, वेलू अपना स्टमक पकड़ता है कि उसको भूख लग रही है, तो गर्ल उसको कहती है कि मैं जो है तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ. तो गर्ल जैसे ही उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाती है तो वेलू भी जो है उसके पीछे पीछे चला जाता है बिकॉज वेलू को नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है, तो गर्ल के पीछे ही चल देता है. तो गर्ल जो है उसको एक जगह पे लेकर के जाती है जो होता क्या है, एक जहां पर एक शादी हो रही होती है, एक फंक्शन हो रहा होता है, और उसके बैक साइड पे वो वेलू को लेकर के जाती है जहां पर कूड़े करकट में से वो वेलू को एक बनाना निकाल करके देती है जो पिचका हुआ सा है, और वेलू को देती है ये लोग खा लो. लेकिन वेलू मना कर देता है, कहता मैं ऐसे खाना गिरा हुआ ऐसे नहीं खाता, मैं तो अनटच्ड फूड खाता हूँ. तो फिर वो उसको जो है बड़ा दुखा करके देती है, वो कहती है ये लोग तुम ये खा लो. वेलू उसको भी नहीं खाता बट वेलू को भूख भी लगी होती है, उसका स्टमक भी पेन कर रहा होता है, ना चाहते हुए भी वेलू जो है उसको खा लेता है, ठीक है. उसको खाने से ही वेलू को थोड़ी शांति मिलती है बट वेलू को फिर भी इतनी भूख लगी कि वो और ज्यादा खा लेता है. बट उसके बाद जो है एक और बनाना मिलता है, वो जो गर्ल है वो खुद खा लेती है. तो अभी तक खाना नहीं बचता तो वो वेलू को कहती है कि अगर तुम्हें और ज्यादा भूख लगी है तो हमें जो है तुम्हें लंच तक यहाँ रुकना पड़ेगा, जब अंदर के लोग लंच कर लेंगे उसके बाद ही हमें जो है बाहर से यहाँ से खाना मिलेगा. सो स्टूडेंट, इतना जो हमने प्रीवियस वीडियो में रीड कर लिया था, नाउ लेट्स रीड फर्दर. हरी अप, ओपन योर बुक्स, दैट इज इट सो हैपेंड, पेज नंबर 13. इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन. उसने कहा बहुत, ये तो बहुत जल्दी है, उन्होंने तो अभी सिर्फ अपना टिफिन खाया है, मींस ब्रेकफास्ट ही लिया है. If you are still hungry, अगर तुम अब भी hungry हो, you will have to wait for them to finish lunch. तुम्हें wait करना होगा जब तक वो अपना lunch finish नहीं कर लेते. You can wait if you want. तुम wait कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो. I have to work. I am going. कहती मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. उसने क्या करा? उसने बोतल वहां से उस कूड़े के ढेर में से दो चार बोतलें उठाई और उसे अपनी बोरी में डाल ली. देन शी वॉक्ड ऑफ, और फिर वो वहां से चली गई. वेलू पैनिक मतलब वेलू अब घबरा गया. ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू. अब उसको रियलाइज हुआ कि अगर वो लड़की चली गई उसे तो पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है और उसे करना क्या है. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड. अब क्या हुआ, उसने कहा कि उसने सोचा कि बहुत सही है कि भाई उसके पीछे पीछे ही निकल दो. अब वो जो है ही रैन आफ्टर हर अगेन. अब वो क्या करता है, वेलू उसके पीछे पीछे निकल लेता है. 8
decoy, वो उसे A बुलाता है. He did not even know the girl's name because वेलू को girl का name नहीं पता होता. A, what is your name? वो उसके पीछे पीछे जा रहा है, कह रहा है तुम्हारा नाम क्या है. He asked hurrying behind her. अब वो जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा है और उससे पूछ भी रहा है. She stopped and turned around. वो रुकी और उसे पीछे मुड़ करके देखा. ओहो, so you have been following me around without even knowing my name, जया. वो कहती तो तुम्हें मेरा, तुम जो है मेरा बिना नाम जाने ही मेरा पीछा कर रहे हो. मेरा नाम जया है. I am not following you. अब वो कहती मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा. But then, who got you food? कहती है हाँ, तुम्हें खाना किसने दिलाया? Can I come with you? फिर वो कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Come if you want. तो गर्ल कहती हाँ आ जाओ अगर तुम चाहते हो तो. This bag is full. I have to go home to get another one. वो उसको कहती है कि मेरा बैग जो है, मेरी ये जो सैक है बोरी है कम्प्लीटली फुल हो चुकी है. मैं इसको घर रखने जा रही हूँ और दूसरी लेने के लिए जा रही हूँ. There is a row of huts near some dirty puddles. पटल होते हैं कीचड़. अब क्या हुआ, अब वो देखता है कि क्या कुछ रोज एक रो में जो है हट्स बनी हुई है और वहां जो है कुछ कीचड़ भी है. आउटसाइड वन ऑफ हट्स जय डम्स हर बैग. एक हट के पीछे, एक हट के बाहर जय जो है वो अपना सैक रख देती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. अब वेलू जो है वो अपने फ्रेंड का जो है, अब जो जय उसकी फ्रेंड बनी है उसका बहुत ही बहुत धन्यवाद करता है कि उसने वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड कि भाई अब जो है अब वो आगे की सोचने लग जाता है कि भाई आगे जो है उसके आगे की भी वो उसके साथ जो रहेगा उसकी फ्रेंडशिप रहेगी. वेलू आगे की सोचने लग जाता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये तो थी कुछ आउटलाइन हमारे थर्ड पैराग्राफ की. अब स्टार्ट करते हैं. जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. जया और वेलू जो है, अब वेलू उसके पीछे पीछे चल रहे थे जया के, तो जया और वेलू दोनों हाफ एन आवर रोड पर चलने के बाद अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वॉटर. तो वो जो है एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और एक डर्टी ट्रिकल ऑफ वॉटर और उसके साइड में क्या होता है कीचड़ वगैरह भी होता है. वी आर इन ट्रिपली गेन नाउ. तो वो उसको बता रही है जया वेलू को कि हम जो है ट्रिपली गेन पर है, मतलब हम ट्रिपली गेन पहुंच गए हैं. सी दैट्स बकिंगम कैनल. सैक जय वो कहती है देखो वो बकिंगम कैनल है. जया वेलू को बोलती है. वेलू स्टेयर्ड. अब वेलू ऐसे घूमता है. दिस वॉज कैनल. ये कैनल है. नियर सम पडल्स ऑफ वॉटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन. अब उसने जो है वहीं कैनल के पास में ही इतनी स्ट्रेंज सी हट्स देखी थी. कीचड़ भी देखा था. ठीक है, वो कहता मैंने तो ऐसे स्ट्रेंज सी हट और ये कीचड़ उसने बेचारे ये वेलू ने कभी नहीं देखा था. दे वर मेड आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. अब वो जो है अलग अलग चीजों से बनी हुई थी. किसी के ऊपर जो है मेटल शीट्स पड़ी हुई थी. ठीक है, किसी के वहां टायर लटक रहे थे. ठीक है, और कोई किसी के वहां जो है ब्रिक्स से बनी हुई थी, कोई वुड से बनी हुई थी, कोई प्लास्टिक से थी. दे स्टूड क्रूकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मूवमेंट. अब वो जो है बड़े क्रूकली का मतलब होता है वो बड़े ध्यान से हट के पास से जा रहे हैं कि कोई भी हट जो है किसी भी मूवमेंट पर गिर ना जाए उनके ऊपर. Is this where you live? अब वेलू कहते हैं ये यहाँ तुम रहती हो. These houses are strange. ये तो बहुत strange, अजीब से houses हैं. Said वेलू. वेलू ने कहा In our village the houses are made of mud and palm trees. वेलू कहते हैं मेरे गांव में तो जो house है ना वो मिट्टी से और palm tree से बनते हैं. जया went around to one of the huts and dumped her sack outside. अब जया उन्हीं में से एक हट के बाहर रुकी, उसने अपनी सैक वहीं रखी. ठीक है, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. और फिर उसने जो है अंदर गई एक खाली सैक उठाने के लिए. लेट्स गो, उठा के लाती है. अब वेलू को कहती है लेट्स गो, चलो. शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो. अब वो जो है
वेलू की तरफ जो है कान करती है और उसके शोर मतलब होता है ना एक, हाँ भाई चलो हम वीक पर ऐसे रखते कहते हैं हाँ भाई चल थोड़ा आगे की तरफ धकेलना जिसे कहते हैं। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब वो कहती है एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, चलो मेरी हेल्प ही तो करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, अब वो उसको क्या करती है कुछ शूज दे देती है जिनके ऊपर लेसेस भी नहीं होते, कहती इसे पहनो और चलो मेरे साथ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, वो उसके आगे एक पेयर ऑफ शूज फेंकती है विदाउट लेसेस, उसके लेसेस भी नहीं होते। एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसे जो है एक सैक देती है और उसके हाथ में स्टिक भी देती है। वेलू बोस कंफ्यूज, वेलू कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट वर डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, कि इन चीजों का भाई मुझे क्या करना है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, अब वो उसने तो बेचारे ने एक ही काम करा था लैंड ओनर्स के फार्म पर, क्या करा था वीडिंग, वीडिंग होता है रिमूव सीड्स फ्रॉम एंड फ्रॉम अ पीस ऑफ ग्राउंड, रिमूव सीड्स वीडिंग, रिमूव सीड्स सीड्स फ्रॉम अ पीस ऑफ ग्राउंड। करते क्या है, जब दोबारा हमें किसी क्रॉप को ग्रो करना होता है तो उससे पहले हम ग्राउंड को क्लीन करते हैं ना, तो वेलू क्या करता था मतलब उस ग्राउंड को मेंटेन करता था, उसकी वीटिंग करता था एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, और काउस को ग्रेजिंग के लिए लेकर के जाता था मतलब चराने के लिए। ठीक है, आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, अब वेलू जया से पूछते क्या इस सिटी में कोई फार्म है। शी लाफ्ड एंड थंप्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, अब वो हंसती है और अपनी स्टिक जो है वो ग्राउंड पे ऐसे पटक देती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर, यहाँ कोई फार्म्स नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो कूड़ा उठाने वाले हैं। वो कहते हैं रैग पिकर्स, सी माई सैक, कहती है हाँ देखो मेरी बोरी फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, पूरी भरी हुई है जो चीजें मैंने कलेक्ट करी है। वो कहते हैं कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू पूछते कलेक्ट कहाँ से। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, कहती कहीं से भी रबिश बिन से मतलब कूड़ा करकट से। यू कलेक्ट रबिश, वेलू हैड, वो कहते तुम रबिश कलेक्ट करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, ए ब्लॉक हैड, अब वेलू ने तो बेचारे ने ऐसी चीजें कभी सुनी भी नहीं थी। अब वो उसको कहता है ए ब्लॉक हैड इट्स नॉट एनी रबिश ओनली, वो कहती है ए ये कोई कूड़ा करकट नहीं है, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग, पेपर प्लास्टिक ग्लास ही है ये। वी सेल एक टू जाम बाजार जगू, अब वो कहती है हम इन चीजों को जो है जाम बाजार में जगू को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल, अब वेलू जो है बेचारा और पजल हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने ये तो सुना था कि लोग जो है कूड़े करकट को बाहर फेंकते हैं। बट वाई वुड एनीवन वॉन्ट टू बाय रबिश, तो वो कहते हैं कि कोई जो है रबिश क्यों परचेज करेगा। हूज जाम बाजार जग्गू, ये जाम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, अब वो जो है ये सब चीजें क्यों परचेज करता है, क्यों बाय करता है। यू थिंक ही बायस इट फॉर शो, अब वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सब चीजें शो के लिए करता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो ये सब चीजें फैक्ट्री में बेचता है। अब वो उसे कहती कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, जल्दी आओ मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिलता, मूव नहीं होता। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, अब वो जो है वो ऐसे काम नहीं करना चाहता, ठीक है वो नहीं जाना चाहता, ठीक है गार्बेज वगैरह कलेक्ट करने के लिए। जया पोक्ड एट हिम, अब जया जो है वो उसे जो है लकड़ी उसे ऐसे थोड़ी सी चुभाती है विद हर स्टिक, लुक हेयर, कहती यहाँ देखो। शी शाउटेड, वो चिल्लाती है इफ समवन गेट्स
देयर बिफोर अस, वी डोंट गेट एनीथिंग. अगर कोई हमसे पहले वहां पहुंच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग. अब यहाँ पोज बना करके खड़े मत रहो. बिग हीरो, हीरो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रही हूँ. हु फिल्ड योर स्टमक टुडे. ठीक है, आज तुम्हारा स्टमक जो है तो कौन भरेगा, या फिर किसने भरा आज तुम्हारा पेट, किसने भरा. बेलू स्क्रैच्ड, बेलू ऑफ हिज हेड. बेलू जो है अपना सिर ऐसे ऐसे करके खुजाता है. एंड साइड कहता है हाँ ठीक है, आई विल डू इट फॉर नाउ. ठीक है, मैं अभी के लिए इसे करूंगा. ही थॉट, ऐसा तो सोचता है. अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक बेटर, एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती. सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी चिल्ड्रन एट वर्क. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट एंड अंडरस्टैंड इट. We will meet again in next video. Till then, keep studying, keep learning. Bye.